हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नीलाक्ष वर्ल्ड पर। और फ्रेंड्स, आज देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। यहाँ पर देखिए एक वेस्ट मटेरियल था, ये जो कंटेनर था वो मेरे पास रखा हुआ था, ये वेस्ट हो गया था, ख़राब हो गया था, तो इसका यूज़ किया है। रीयूज़ करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको जो है कैसे इसमें फ्लावर पॉट का जो होता है उसका शेप देने की कोशिश की। इसका शेप जो है वो ख़राब होके वैसे ही पॉट के शेप का हो गया था, तो मैंने बस इसको जो है फ्लावर पॉट का लुक देने की कोशिश की है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं उस जो कंटेनर था कंटेनर को कलर कर चुकी हूँ, और अब ये रेड कलर का मेरे पास जो है पेपर शीट रखी थी, तो उसको मैं जो है एक फ्लावर का शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने इस जो है इस पॉट को बनाने के लिए, इसके फ्लावर्स को बनाने के लिए मैं कोई भी चीज़ मार्केट से नहीं लाई हूँ। आप लोग देखते ही होंगे मैं अपने वीडियो में रेड कलर के चार्ट का यूज़ करती हूँ, तो वही चार्ट का पेपर है फ्रेंड्स। और जो कंटेनर था वो ख़राब हुआ पड़ा हुआ था बहुत दिनों से, तो उसी को मैंने उस पर कलर कर दिया है, और अभी वो कलर सूखने के बाद उसके ऊपर दोबारा से कलर करूँगी। तो देखिए यहाँ ये जो है मैंने प्लांट का लुक दे दिया है इसको, और इसी तरह से मैं दूसरा बना लूँगी। और यहाँ पर देखिए सूख चुका है, और अब ये जो शीट रखी थी मैंने कट करके उसको उसके ऊपर लगा दी है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर ये मैंने दोबारा से येलो कलर करके नीचे फ्लावर्स बना दिए हैं, तो और ग्रीन कलर के थोड़े प्लांट्स से बना दिए फ्रेंड्स। तो मुझे प्लांट्स तो ऐसे ही बहुत पसंद रहते हैं, तो देखिए ये फ्लावर्स और प्लांट्स के साथ में ये बास जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसका जो फ्लावर पॉट है बहुत ही सुंदर लग रहा है, और ऊपर जो फ्लावर्स हालांकि कुछ खास नहीं थे क्योंकि मेरे पास कोई भी फ्लावर्स के लिए कोई मटेरियल नहीं था, और मैं मटेरियल लेने के लिए मार्केट गई भी नहीं। तो देखिए जो भी ये था उसको ही यूज़ करके मैंने यहाँ पर इसको ही शेप दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करिए, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारियाँ जो हैं, फैक्ट्स जो हैं, मैं आपके लिए लाती रहूँगी कि घर में जो बैठ के बेकार जो चीज़ें होती हैं उनका कैसे आप यूज़ करें, चाहे साइंस के मॉडल्स में और चार्ट्स में, और चाहे घर के यूज़ की कोई चीज़ हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।